मेरी पोयम है, उसका नाम है मेरी कमजोरी, मेरे लफ्ज़, मेरे लफ्ज़ मेरी जुबान पर आने से पहले ही थम जाते थे और ये देखकर लोग मुझसे दूर हो जाते थे। और जब आज सोचती हूँ तो याद आता है, बहुत भीड़ थी वहाँ और सबको जानती थी उस भीड़ में, पर सिर्फ वहाँ खड़े कुछ लोग ही दोस्त थे मेरे, पर सिर्फ FB, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। बहुत सो के साथ तो काफ़ी टाइम भी बिताया था एक ही क्लास में, एक ही जगह पर न जाने क्यों अनजाने थे सब वहाँ। सब कुछ तो था मेरे पास पर अकेली थी उस भीड़ में, सोच रही थी किससे बोलूं, कितना बोलूं, क्या बोलूं, कहीं किसी को मेरी किसी बात का बुरा ना लग जाए। और यही सोचने में वक्त निकल सा गया, पर ऐसा कोई नहीं था जो कहे कि टेंशन में क्यों है, मैं हूं ना यार। इतनी भीड़ थी, सबको जानती थी, सब दोस्त थे मेरे, पर कोई भी मुझे अपना दोस्त नहीं कहता था। एक पल के लिए थोड़ा सहम गई और सोचने लगी, FB, व्हाट्सएप, इंस्टा सब पर तो इतने दोस्त थे मेरे, पर ऐसा क्यों कोई नहीं जो सच में मेरा दोस्त हो। जानती सबको थी पर मुझसे बात कोई नहीं करता था। हाँ गलती मेरी भी थी, मैं ज्यादा बोल नहीं पाती थी, डरी और सहमी सी रहती थी। और मुझे दोस्त बनाना थोड़ा कम ही आया था, या कहूँ तो आ ही ना पाया था। पर अचानक से थोड़ी देर से ही सही एक आवाज जिसने दिल के दरवाजे पर दस्तक सी दी, मेरा हाथ उस भीड़ में थाम कर मुझे हौसला दिया, उसने जिसने मुझे जन्म दिया, तेरे शब्द, तेरी कमजोरी नहीं तेरा हौसला बन सकते हैं, ऐसा कह कर मुझे उस भीड़ का हिस्सा बनने भेज दिया। एक बात जो उस वक्त मेरी माँ ने मुझसे कही थी, हमारी कमजोरी हमें आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन उस कमजोरी को भुला कर हौसला दिखाना हमारी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके अलावा जो बात मेरी माँ ने मुझसे कही थी, किसी की कमी को उसकी कमजोरी समझकर हंसने से अच्छा है, उसका हाथ थाम कर चलना। और माँ के इन्हीं अल्फाजों ने आज मुझे अपनी कमजोरी भुलाने के लिए मजबूर किया है। और आज माँ के उन लफ्जों ने मेरी माँ के अलावा भी मुझे कई दोस्त दे दिए हैं, और अपनी उस कमजोरी को भुलाकर मैंने खुद को अपनाया है और सभी को बस यही सिखाया है और यही बताया है। थैंक यू एवरीवन।